हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम कलाकंद बर्फी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए ये 1 लीटर दूध मैंने लिया है। इसे अच्छे से बॉईल करके मैंने 2-3 मिनट के लिए इसे ठंडा करके लिया है। अब हम ये मैंने 2 नींबू का जूस लिया है, जो इसमें डाल के हम इसे फाड़ के इसका छेना बनाएंगे। तो ये मैं जैसे लगेगा वैसे थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। हमारा दूध फट चुका है। ये हमने नीचे एक बर्तन रखा है, उसके ऊपर ये छन्नी रखी है, जिसमें मैं ये मलमल का कपड़ा डाल रही हूँ, जिससे मुझे ये छानना है। इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डालना है, उससे कुकिंग का जो प्रोसेस है वो भी बंद हो जाएगा और नींबू का जो फ्लेवर है छेना में वो भी निकल जाएगा। पूरा पानी निकल जाना चाहिए, इसके लिए हमें इसे 1-1.5 घंटे के लिए हैंग करके रखना है। हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट कलाकंद बर्फी। कलाकंद बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए ये 250 ग्राम मैंने मावा लिया है, ये 250 ग्राम पनीर लिया है, ये 200 ml मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। ये तीनों रेसिपी मेरी होममेड रेसिपीज है, जिनका लिंक मैं आपको इस रेसिपी के साथ दे दूंगी और ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये थोड़ा सा 1/4 कप मैंने मिल्क लिया है। ये थोड़ा सा हरी इलायची है, जिसे मैंने क्रश करके लिया है, और ये पिस्ता है जो मुझे गार्निशिंग के लिए लगेंगे। तो आइए हम इंस्टेंट कलाकंद बर्फी बनाते हैं। कढ़ाई में थोड़ा दूध डालते हैं। दूध के साथ ही हम इसमें एक पनीर डालते हैं। पनीर को हमें दूध के साथ थोड़ा सा भूनना है। पनीर में अगर थोड़ी बड़े साइज के पीसेस है तो उसे क्रश करते हैं। ये हमने दूध और पनीर को 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम ये खोआ भी मावा खोया इसमें डालेंगे और इसको भी इसके साथ ही भून लेंगे। ये हमारा मावा और पनीर का मिक्सचर अभी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची डालेंगे, जो हमने क्रश करके लिए है। इलायची का फ्लेवर बर्फी में बहुत ही अच्छा लगता है। पनीर और मावे के मिक्सचर को पहले अच्छे से भून लेना है और फिर हमें कंडेंस मिल्क ऐड करना है। तो ये मैं कंडेंस मिल्क इसमें डाल रही हूँ। कंडेंस मिल्क हम ज़रूरत के अनुसार इसमें यूज़ करेंगे। आपको जैसा स्वीट चाहिए कम ज़्यादा, वैसे आप उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा मिक्सचर अभी अच्छे से भून चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक हो गई है। तो हम इसे और एक आधा मिनट भून लेंगे, निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सचर अभी एकदम तैयार हो चुका है। अभी ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो हम अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे मैंने एक पैन को इस तरह से ग्रीस करके लिया है, तो इसमें मैं ये निकाल लेती। ये हमारी कलाकंद बर्फी अभी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। हम इसे थोड़ा सा पिस्ता का गार्निशिंग करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इंस्टेंट कलाकंद बर्फी बहुत ही अच्छी बनी है। ये मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।